तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर आपके जो वॉलपेपर रहते हैं, ठीक है, हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, आपकी जो स्क्रीन गाइस जो है इसका वॉलपेपर चेंज करने के लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको एक फिंगर लेनी है और डिस्प्ले पर प्रेस एंड मतलब दबा के थोड़ी देर उसको रोके रखना है वहाँ पर, यानी कि दबाए रखें और प्रेस एंड होल्ड बोलते हैं इसको, तो प्रेस एंड होल्ड रखना है आपको। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे आपको वॉलपेपर का एक सेक्शन देखने को मिल जाता है। आपको सिंपल तरीके से इस पर ओपन कर लेना है इसको। इसको ओपन करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको वॉलपेपर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। इनमें से कोई भी वॉलपेपर आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके गैलरी में से कोई भी फोटो या वीडियो आप लगा सकते हैं, जो भी आपको अपना अपना फोटो लगाना हो तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो गाइस इस वाले वॉलपेपर को हम कर लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको करता हूँ मैं यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करने के बाद गाइस ये पूछ रहा है मेरे से होम स्क्रीन वॉलपेपर लगाना है, आपको लॉक स्क्रीन लगाना है, फिर दोनों पे लगाना है। तो गाइस यहाँ से हम अगर चाहें तो होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के लिए अलग अलग लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको दोनों पे ही सिलेक्ट करके रखूँगा, ठीक है। तो हमने क्लिक कर दिया बूथ, तो यहाँ पर हमारी सेटिंग जो है गाइस वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा वॉलपेपर जो है वो चेंज हो चुका है। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं बाकी आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।